मीरान, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्यों दादी जान, क्यों किया आपने ऐसा, बताएं मुझे क्यों, मेरे साथ, अपने अपने ही पोते के साथ? आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे रियान के खिलाफ करने के बाद आपको क्या मिलना था, क्या हासिल हो जाता आपको? मैं डर गई थी बेटा, मुझसे दूर जा रहे थे तो तुम्हें मैंने अपने हाथों से पाला है, हमेशा अपनी आंखों का नूर बनाए रखा, तुम्हें सीने से लगाकर मैं अपने मेहमत को भूल गई, तुम मेरे बेटे के बेटे हो, अमानत थे उसकी, अपने दिल में सिवाय तुम्हारे किसी की मोहब्बत नहीं रखी, जो खुद एक मां नहीं है अभी उसे इस दर्द की शिद्दत का अंदाजा नहीं हो सकता। तीन बेटे थे मेरे, लेकिन मेरे हाथ में उनके सिर्फ तीन यतीम बच्चे आए, मैंने बहुत से तूफान देखे, अपना सारा घर चलता हुआ देखा, मैंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, मगर तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखती रही, अपने सीने से लगा के तुम्हें तसल्ली देती रही, अल्लाह से हमेशा यही कहती रही कि तूने मेरे तीन बेटे तो दे दिए लेकिन मुझे ये तीन यतीम बच्चे दे दिए, तुम बिल्कुल अपने बाबा की शबीह हो मीरा, तुम्हारी आवाज तुम्हारे बाबा की आवाज जैसी है, मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने जो कुछ किया वो इसलिए कि कहीं तुम्हें खो ना दूं, मैंने सोचा कि अगर तुम्हें इससे दूर कर दूं तो शायद तुम लौट आओ, मुझे लगता था कि तुम्हारे इश्क ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, खता हुई है मुझसे, मैं तुमसे अब नहीं कहूंगी कि मेरा यकीन करो, लेकिन ये बच्चा जिसे तुम प्यार करती हो इसे मैंने पाला है, अगरचे मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं लेकिन फिर भी माफी मांगती हूं, माफ कर दो मुझे, मैं अजीजा असलान पे आज तक कभी भी जिसने किसी से माफी नहीं मांगी आज वो तुमसे माफी मांगती है रया, आज वो तुमसे माफी मांगती है रया, कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती, जानती हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे बाबा को माफ ना कर पाई, इसीलिए, क्योंकि जो उसने मुझसे छीना वो उसका प्यार नहीं मेरा लगते जिगर था, मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली मीरा, मैंने कभी किसी बच्चे को उसकी मां से ना ही उसके बाबा से जुदा किया, जिस तरह तुम्हारा दिल तुम्हारी मोहब्बत छिन जाने पे चल रहा है, कभी सोचा मुझसे क्या छीन लिया क्या? तुम मुझे माफ नहीं करोगे लेकिन तुम समझ सकते हो, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, चुप क्यों हो तुम, ऐसे ही जाने दोगे अपनी दादी को, उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा नहीं होगी क्या?